हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे आप सब लोग फ्रेंड्स? आज हम देखते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, उनकी क्या सिचुएशन है, करंट सिचुएशन। तो लेट्स बिगिन द रीडिंग फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बोलती हूँ, जिन लोग जो लोग इनर वर्क कर रहे हो और चक्रास डेली बेसिस पे नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उनके लिए चक्रा कोड्स मैंने बनाए हैं। वो जो आप लोग का चक्रा कोड्स आप अपने आप जो पॉकेट में रखेंगे या अपने बॉडी पे लिखेंगे लेफ्ट साइड में, तो आपको उसके चक्रा बैलेंस करने में बहुत मदद मिलेगी। तो आप वो चक्रा कोड्स मुझसे बाय कर सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली थर्ड पार्टी है ना, फोर ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही ना प्रेयर की मोड में, ऐसे बोल सकते हैं आप, रिकवर हीलिंग पोजीशन में ऐसे बोल सकते हैं। आपके पार्टनर भी ऐसे हो सकते हैं जो थोड़ा हील होने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन जो है ना, वो हील होने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी है एट प्रेजेंट, आपके पर्सन हो सकते हैं या थर्ड पार्टी हो सकती है, दोनों में से दोनों जन प्रेयर मोड में तो 100% है, ये तो मैं बोल ही सकती हूँ। और कोई उनको गाइड कर रहा है कि कैसे प्रेयर करनी है, क्या करनी है, क्योंकि उनको थर्ड पार्टी को बहुत अंदर वैसे यकीन होने लग गए हैं ना कि वो आपके पसंद उनको छोड़ के जाएंगे, ये उनको दिखाई देने लग गया है। तो अपने देखो किस तरह से खाली कब्ज़ देख रहे हैं, कर रहे हैं, कि उनको लग रहा है कि उनकी जो बनाई हुई थी सब योजना थी और इतने साल की जो मेहनत थी आपके पार्टनर को अपने पास रोक के रखने की, वो सारी ही मेहनत उनकी उनको मिट्टी में मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो बहुत ज़्यादा ही इंसान जब लगेगा ना कि हाँ, मैं वो पसंद में से दूर जा रहा है या मुझे छोड़ने का विचार कर लिया है, तो वो इंसान वो सब चीज़ तो करेगा ही ना, क्योंकि उनका ये साइकिल जो था ना, बहुत एन्जॉयमेंट का, फ़न का, थर्ड पार्टी का, जो इतने जितने जो लोग बहुत साल से वेट कर रहे हैं, कुछ साल से वेट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट उनका जो पीरियड था ना, अभी कम्प्लीट होने आ गया। वर्ल्ड मतलब एक उनका एक चैप्टर कम्प्लीट होने को आ गया। ये जो पर्सन है थर्ड पार्टी का, वो बहुत इन्जॉयमेंट कर लिया। ऐसा नहीं कि इन्जॉयमेंट नहीं किया उन्होंने आपके पार्टनर के साथ, बहुत फन इन्जॉयमेंट जो भी उनको था, आपके पार्टनर ने जितना प्यार दिया वो सब उन्होंने बहुत इन्जॉय किया है लाइफ में। ऐसे नहीं बोल सकते कि इन्जॉय नहीं किया। अभी वो उनको पता है कि ये पर्सन अभी मुझे जान चुके हैं, मैं कैसा हूँ या कैसी हूँ, तो ये पर्सन उनको छोड़ने का मन पूरा बना लिया है। तो वो जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हो आप, देख रहे हो, वो पूरा पर्सन जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इनका भी कि आपकी तरफ मुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कि उनको पता है कि वो मुझे छोड़ के अपने जिनसे एक्चुअल में प्यार करते हैं उनके पास जा रहा है, जा रही है। इस तरह से उनको दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी को, और आपके पर्सन भी इस तरह से आपके पास आ रहे हैं। और ये जो थर्ड पार्टी है, उसका साइकिल कम्प्लीट हो रहा है। एक पूरा बोलते ना चैप्टर लाइफ का, बहुत बड़ा मेजर साइकिल कम्प्लीट हो रहा है, इस तरह से मुझे लग रहा है। इसमें मुझे ऐसे स्नेक्स दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जिन लोगों को अभी भी थोड़ा एंसेस्टर इशू है, तो उसके लिए हीलिंग करानी चाहिए, आपको हील करना चाहिए। अगर आपको उपाय नहीं पता है तो किसी को पूछ के आपने उपाय कीजिए थोड़ा एंसेस्टर हीलिंग के लिए। तो कभी कभी क्या, छोटी मोटी ब्लॉकेज की वजह से है ना, आपके पार्टनर आपकी तरफ आते आते रुक जाते हैं, तो वो ब्लॉकेजेस हम हील कर लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं ना, तो हमको ना बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। तो आप लोग हो सके तो थोड़ा एंसेस्टर हीलिंग मुझे करिए। आप लोग को ना जो एंसेस्टर के नाम को किसी को दान कर दीजिए, मतलब जैसे बोलते हैं उनके नाम, अपने बोल के पितरों के नाम पे किसी गरीब को खाना खिला दीजिए या किसी गाय को रोटी खिला दीजिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि एंसेस्टर हीलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी हमारे मेन कितने बड़े बड़े काम जो होते हैं ना, एंसेस्टर हीलिंग की वजह से रुक जाते हैं। देखो आपको अभी आप थोड़ा डाउटफुल हो, आपके भी कार्ड है थर्ड पार्टी के भी, आप भी डाउटफुल हो कि आपके पर्सन आएंगे कि नहीं आएंगे, आपको प्यार करते हैं कि नहीं करते। ये फीलिंग आपकी बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट चल रही है, मतलब आपके दिमाग में, कि आपके अभी भी लग रहा है कि ऐसे आपके इल्यूजन है क्या, वो पर्सन आएगा कि नहीं आएगा, कि आएगी कि नहीं आएगी, मैं खाली सपने देख रही हूँ, उनके मन में मेरे लिए प्यार है कि नहीं है, वो मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं करते, या करती है कि नहीं करती। इस तरह की फीलिंग आपके माइंड में कंटिन्यूस चल रही है, ऐसे मुझे ही लग रहा है। क्योंकि आपका टू ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा मेजर डाउट्स है। आप मतलब रीडिंग देख लेते हो, कर लेते हो, आपको क्या ये सब चीज़ों पर यकीन नहीं आता कि ऐसा होगा क्या, क्योंकि फेथ आपका बिल्ड नहीं हो रहा है। जब तक आप फेथ बिल्ड नहीं करोगे तो आपका काम कैसे होगा। आपको फेथ लाने की बहुत स्ट्रांग ज़रूरत है। और जब फेथ कैसे आता है, जब हम इनर वर्क करते हैं ना, तब हमारा फेथ डे बाय डे यूनिवर्स पे, गॉड पे स्ट्रांग होने लगता है। तो आपको वो फेथ लाने की ज़रूरत है। और ये जो थर्ड पार्टी का, अगर मैं कार्ड पाकर, वो थर्ड पार्टी का और आपके पार्टनर का, वो भी सब डाउट में है। वो भी थर्ड पार्टी भी सोचती है कि ये पर्सन के मन में अब मेरे लिए प्यार नहीं रहा है, उसके मन में आपके लिए प्यार है, उसको ऐसे लगता है।
और आपके पार्टनर के देखे तो उनको भी डाउटफुल लग रहा है कि अब आप उनसे प्यार करते हो कि नहीं करते हो, आप उस तरह का प्यार उनको दोगे कि नहीं दोगे, आप उस तरह से उनके मन में जो आप जितना प्यार पहले एक्सप्रेस करते हम शायद नहीं करते होंगे, तो उस तरह का प्यार आपके मन में है कि नहीं है, ये मतलब तीनों की ऐसी कॉन्स्टेंट फीलिंग है, तीनों एक ऐसा ही सोच रहे हो, आप अपने पार्टनर के लिए ऐसे सोच रहे हो, वो अपने थर्ड आपके पार्टनर के लिए ऐसे सोच रहे, आपके पार्टनर आपके लिए ऐसे सोच रहे, तीनों जन की फीलिंग ऐसी ही है कि ये ना मुझसे प्यार करते कि नहीं करते, ये फीलिंग बहुत ज़्यादा कांस्टेंट आप लोग के बीच में। देखो वापस वही आ रहा, आप एक्चुअली कंटिन्यूस डाउट की सिचुएशन में, आपने बहुत मेहनत कर ली है, आपको अब इतना डाउटफुल होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतनी मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, गॉड आपको बोल रहा है, आपने बहुत मेहनत की अपनी लाइफ में, ये अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी को तरफ अपने जो जाते हुए देखना, उनके साथ में रहना, ये सब जो पेन आपने सहा है वो यूनिवर्स देख रहा है, मतलब गॉड देख रहा है आपका सारा पेन देख रहा है, आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनर वर्क कर रहे हो, डेफिनेटली आपका इनर वर्क भी आपको हेल्प करेगा, आप जितने लोगों की हेल्प कर रहे हो वो जितना हो सके आप कोशिश कर रहे हो अपनी तरफ से, वो यूनिवर्स अब देख रहे हैं, आप इतने डाउटफुल मत हो, वो बार बार ना किसी को ये मतलब यार ऐसा सोच रहा होगा कि नहीं होगा, होगी कि नहीं होगी, ऐसा मतलब ये सब क्वेश्चन यूनिवर्स में थ्रो मत करो, अगर ऐसे यूनिवर्स में क्वेश्चन थ्रो करोगे ना तो वही रिटर्न वापस बैक आएगा आपके पास, आप यूनिवर्स को पॉजिटिव एनर्जी ही सेंड करो, नहीं हो रहा है नहीं हो गया है, इस तरह से आप यूनिवर्स में एनर्जी सेंड करो तो आपका ये जो काम है ना इजी हो जाएगा, और भी आपके लिए भी इजी हो जाएगा और यूनिवर्स के लिए भी इजी हो जाएगा आपका काम कराने के लिए, इसलिए आप ये इस तरह की एनर्जी नेगेटिव एनर्जीज यूनिवर्स में नहीं सेंड करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो आप ये डाउट करना छोड़ दो कि ऐसा होगा कि नहीं, आपकी इसमें ना थर्ड पार्टी से ज़्यादा आज आपकी एनर्जी ज़्यादा आ रही है, तो भी मैं थर्ड पार्टी का उनका देख रहे हैं आपके पार्टनर के केस में क्या चाहिए, अभी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम्स चल रहे हैं आपके पार्टनर के और थर्ड पार्टी के केस में, बहुत चैलेंजिंग टाइम्स है, वो देखो किस तरह से शील्ड लेके पर्सन खड़े हैं, मतलब उन पर थोड़ा अटैक थोड़ा होता होगा या उन पर उस जैसे उनके उनकी जिस तरह की बातचीत होती होगी बहस होती होगी वो उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है ना उनको चैलेंजिंग लग रहा है, वो गॉड उनको लेसन सिखा रहा है, उन्होंने बहुत हार्ड लेसन सीखे, थर्ड पार्टी को भी गॉड बोलते हैं ना कर्मा जैसे लेसन तो उनको सीखना ही पड़ेगा, थर्ड पार्टी को भी गॉड का कर्मा जैसा बोलते हैं ना वैसा ही मिलता है, ये तो आप पक्का मान के चलो, अगर थर्ड पार्टी ने गलत किया है तो उनको अपना कर्मा सीखना ही पड़ेगा, भगवान सबको लेसन सिखा देते हैं, उनको गॉड को लेसन सिखाना बहुत अच्छे से आता है, हमको अभी क्या थर्ड पार्टी को रिलीज़ करना ही पड़ेगा आपके पर्सन को, वो सोचते हैं ना कि उनको पकड़ के रखूँ बहुत दिन तक पकड़ के रखूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो इंसान की फीलिंग समझ नहीं आ रही ना उनको कि वो पर्सन एकदम देखो आपके पर्सन एकदम बैरियर ऐसे नो से ना कि नो एंट्री का बोर्ड लगा के खड़े हो गए थर्ड पार्टी के दायरे, इस तरह से उन्होंने थर्ड पार्टी को नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया मुझे ऐसे लग रहा है, तो वो थर्ड पार्टी को लग रहा है कि ये उनके साथ में कर्मा हो रहा है कि जो उन्होंने किसी और के साथ में किया वही चीज़ उनको वापस मिल रही है, ये भी ऐसे हो सकते हैं कि यूनिवर्स उनको लेसन सिखा रहा है इस तरह से, अभी उनको यही इंडिकेशन दिए जा रहा थर्ड पार्टी को कि रिलीज़ करिए इस पर्सन को जाने दो, जहाँ ही जाना चाहता है, इनको इस तरह से बांध के मत रखो क्योंकि ये पर्सन बंध के रहने वाला नहीं है अभी या बंध के रहने वाली है। देखो अभी भी बहुत ज़्यादा है ना आइसोलेशन में है थर्ड पार्टी भी आइसोलेशन में, आपके पर्सन भी बहुत आइसोलेशन में, बहुत ज़्यादा ही सैड है, बहुत ज़्यादा सैड है, मतलब इंसान का बोल सकते हैं ना सैडनेस एंड आइसोलेशन बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन का और थर्ड पार्टी के बीच में भी, ये कंटिन्यू आपका पर्सन का हार्ट चक्र एक्टिव हो रहा है, उनको क्लैरिटी और बिलीफ आ रही है, समझ रहे हो क्लैरिटी और बिलीफ आ रही है आपके पर्सन को कि मेरी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेफिनेटली आपके पर्सन को दिखाई दे रहा है धीरे धीरे कि उनको क्या राइट है क्या रॉन्ग है, थर्ड पार्टी बहुत कोशिश में है लेकिन उनको वो यूनिवर्स उनका साथ नहीं दे रहा, ऐसे बोल सकते हो यूनिवर्स नॉट सपोर्टिंग देम, लेकिन ये पर्सन किस तरह से है ना एकदम अटैकिंग पोजिशन में, थर्ड पार्टी जैसे उनको मस्त करें तो अटैक कर दे आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो क्या बहुत स्मार्ट है, मतलब वो क्या करते हैं अंदर से इस तरह से उनका है नेचर है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या बहुत ज़्यादा इस तरह, लेकिन वो पर्सन अपने दिमाग का सिक्स चक्र हो ना सिक्स आई चक्र थर्ड आई चक्र बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत स्ट्रांग है पर्सन थर्ड पार्टी और उन्हें पता है कि ये काम गुस्से से भी नहीं हो सकता, तो वो प्यार से ही आपके पर्सन को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हो कि अभी अंदर कैसा भी हो गुस्सा हो लावा फूट रहा हो गुस्सा आ रहा हो लेकिन बहुत चालाक है अपने थर्ड आई का ब्रेन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और एकदम प्यार से मतलब जिस तरह से अंदर है ना बाहर एकदम नरम होके सॉफ्ट होके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेव करके कि हाँ किस तरह से भी ये पर्सन मान जाए वापस ना उनके पास रुक जाए, ये उनकी कंटिन्यूस कोशिश चालू है वो पर्सन की कंटिन्यूस कोशिश चालू है।
एक कार्ड और देख लेते हैं इस पर्सन का क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी का। ओफो, आपके पर्सन का, आपका पर्सन का बार बार यही आ रहा है, वो बहुत अभी है ना ट्रांसफॉर्मेशन फेस में कंटिन्यूस। और देखो न्यू बिगनिंग, आपके पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, उनका क्लियर कार्ड आ रहा है कि न्यू, उनका न्यू बिगनिंग का एक साइकिल चालू हो रहा है, या आपके लिए भी बोल सकते हो न्यू बिगनिंग का चैप्टर चालू हो रहा है, न्यू बिगनिंग आप लोग की आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है, इस तरह से बोल सकते हो। आपके पर्सन कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे, देख रहे हो ब्रिज पे, ये ब्रिज क्रॉस करने के लिए वो खड़े हो गए। ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये ब्रिज उनको क्रॉस करना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, लेकिन ये पर्सन को ये ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा, और ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए इनको ये ब्रिज क्रॉस करके आना ही पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना, अभी वो फैमिली लाइफ में हो सकते हैं उनके कुछ ना, वो जो फैमिली फ्रेंड्स और जो रिलेटिव्स हैं उनसे भी वो गाइडेंस ले रहे हैं, जो तो ना जिस तरह से वो थोड़ा हो सकता है घर में काफ़ी मेहमान भी आए होंगे या गेस्ट भी आए होंगे, तो मैं ऐसे रूल आउट नहीं कर सकती, वो उनके साथ में भी है ना थोड़ा अपने माइंड को लाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्जॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से आपके पर्सन की एनर्जी अभी चल रही है थर्ड पार्टी के साथ में, तो जहाँ भी कहीं भी दिख नहीं रहे थर्ड पार्टी के साथ में, अभी थर्ड पार्टी को वो कम्प्लीटली अवॉइड कर रहे हैं आपके पर्सन। हो सकता है कि अगर वो थर्ड पार्टी के साथ में पहले जितना ध्यान देते थे अभी उतना ध्यान नहीं दे रहे, अभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में ज़्यादा बातचीत हो रही है उनकी, और वो थर्ड पार्टी से इतना मिल नहीं रहे। अगर वो ऑलरेडी मैरिड है तो वो इस तरह से थर्ड पार्टी को अटेंड नहीं कर रहे, जिस तरह से खाली वो गेस्ट आए हैं रिलेटिव्स आए हैं उसकी तरफ से वजह से वो थोड़ा उनसे अच्छे से थोड़ा बात कर रहे होंगे, तो अलग बात है। अदरवाइज़ आपके पर्सन जरा भी इस पर्सन से अच्छे से बात नहीं कर रहे, उनको कंप्लीट अवॉइड कर रहे हो, वो एकदम कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। उनको पता है दे हैव टू क्रॉस दिस ब्रिज, आपको वो ब्रिज क्रॉस करके आपके पास आना पड़ेगा, उनको ये समझ नहीं आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, आप लोग को मेरी रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।